और करवट लो जैसे ही मैं कहूं अब है। गड़बड़ है। कौन है? क्वाल्सकी, तुम बताओ। नाम मार्लिन, प्रजाति ऑटर और आवाज। ओके, मैं बताती हूँ मैं क्यों चीखी। प्राइवेट चीख सुनकर तुम्हें क्या लगा था? पता नहीं इसकी वो, शायद ये डर गई थी। मुझे भी यही लगता है, पर हम इसे साबित कैसे करेंगे? मार्लिन, क्या तुम डर गई थी? हाँ, पर अब मैं ठीक हूँ, इसीलिए तुम सब अब जाकर सो जाओ। गुड नाइट। हम एक लाचार विक्टिम को उसकी मुसीबत की घड़ी में छोड़कर नहीं जा सकते। तुमने लाचार किसे कहा? ओ, ये क्या शोर मचा रखा है? मैं सपना देख रहा था कि पूरी दुनिया में सिर्फ मैं जिंदा बचा हूँ। सपने में मैं था। हाँ, पर तुम ठंडे पड़ चुके थे। चलो कम से कम था तो सही। बात बिल्कुल साफ है, मार्लिन ने अपनी ही परछाई देख ली होगी। अब पता चल गया है तो गुड नाइट बोल के सो जाते हैं। एक अजीब सी आवाज ने मुझे जगा दिया था। ओके, दैट्स ऑल। देखो, मैं कोई सरफिरी लाचार विक्टिम नहीं हूँ, इसीलिए तुम लोगों को राय का पहाड़ बनाने की कोई जरूरत नहीं है। प्राइवेट चेक करो, वॉल्स की जगह स्कैन करो। अजीब आवाजें ढूंढ रहा हूँ स्किपर, रुको कुछ सुनाई दे रहा है। तुमने बुरा सपना देखा होगा। नहीं, आवाज असली थी और बहुत लाउड भी, जैसे कोई भूत रो रहा हो। अगर सच में कोई भूत हुआ तो तुम मेरे नहीं जाकर भूत के पैर छूना। मैंने सुना है कि यहाँ रहने वाला पिछला ऑर्डर गायब हो गया था। हाँ, और वो भी एक दिन अचानक ही। उसे बदली में भेजा था, बदलापुर में। बदलापुर में? तुम जाओगे? राजा होने के नाते मुझ में ताकत है कि यहाँ की सारी दुष्ट आत्माओं को निकल जाने का हुक्म दो। शुरू करो मॉरिस। ओके, कैसे? मॉरिस, अब मैं तुम्हें कैसे? ठीक है, इसके लिए मुझे तुम सबको अपने डांस का जलवा दिखाना होगा। हट जाओ। चलो यहाँ से हटो, तुम सब तमाशा देखो। ओ अंधेरी रात के शहंशाह, तू अब यहाँ से भाग जा। इस बच्ची को यूं तू ना सता, वरना हो जाएगी मुझसे खता। भाग जा। चलो साथियों, इसका गाना सुनने से तो अच्छा होगा सास बहू का सीरियल देखे। भूत मेरे इशारों पे नाच रहा है। मॉरिस, तुम्हें फील हो रहा है या नहीं? क्या जूलियन ने वाकई भूत को भगा दिया होगा? स्किपर, मैं यहाँ हूँ। प्राइवेट, तैयार हो जाओ साथियों, शुरू करो ऑपरेशन भूत भगाओ। स्टेटस बताओ क्वाल्सकी। ये रीडिंग्स तो बढ़ती ही जा रही हैं। तो उन्हें काबू में रखो, इतना तो कर ही सकते हो। नॉक करना नहीं सीखा क्या? नॉक करने बैठेंगे तो काम कब करेंगे बोलो? और काम करने में हमें बहुत खुशी मिलती है। ओके, हाँ, मैंने फिर से वो आवाज सुनी। हाँ, मैं फिर से चीखी, नहीं, मुझे तुम सबके पहरे की कोई जरूरत नहीं है। जाहिर है कि ये कोई नया भूत है, क्योंकि पुराने भूत को तो मैंने नानी याद दिला दी थी। तुम्हारा नाच गाना देखकर तो जिंदा इंसान भी भूत बन जाए। तुमने क्या तीर मारा? कुछ भी तो नहीं, इसलिए शट अप। रिको, मेरा मतलब इन्हें बाहर निकालो, नहीं तो पिट जाएंगे। ठीक है, करके देख लो। तुम मेरे पास आकर गिड़गिड़ाओगे और फिर मैं कहूंगा शायद मैं मदद करूंगा या शायद नहीं। स्किपर की डायर, रात के 2 बजे, सब शांत है, ज्यादा ही शांत। नींद मुझे अपने आगोश में लेने की पूरी कोशिश कर रही है। मालिन, घबराओ नहीं, मैं हूँ। मैं चीखने का सपना देख रही थी। अजीब है। सूत्रों से पता चला है कि वो भूतिया आवाज तुम्हारी ही श्वास नली से आ रही है। अच्छा, क्या कोई आसान भाषा में समझाएगा मुझे? फर्राटे? पर मैं फर्राटे नहीं लेती।
केस सॉल्व हो गया, तुमने खुद को डरा दिया था। लेकिन ये वो डरावनी आवाज नहीं है। ओ चलो भी, रोंगटे खड़े कर देती है। यही वो आवाज है। वो भूतिया आवाज यहाँ नीचे से आ रही है, गटर में से। तो ठीक है, धमाके का वक्त आ गया है रिको। तुम्हें नहीं लगता ये कुछ ज्यादा हो जाएगा? नहीं, डायनामाइट की दो स्टिक्स होती तो ज्यादा होता। अब वो भूत जान जाएगा हम कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं। कुछ हुआ? अब तक नहीं, कुछ भी नहीं, पर जल्द होगा। मेरी बात मानो, कुछ तो है जो। स्किपा! मैं कहाँ हूँ? स्किपर, तुम ठीक तो हो? एकदम फिट। स्किपर की डायरी, एक रहस्यमय शक्ति ने मुझे पानी में डूब जाने से बचा लिया। कोई रहस्यमय शक्ति नहीं थी, वो मैं थी। मालिन प्लीज, स्किपर की डायरी में ऐसी छोटी बातों के लिए जगह नहीं है। मैं उस भूत के रहस्यमय इलाके में पहुंच गया हूँ। ये गटर है। एक भूतिया गटर। वॉल्स की कुछ सुझाव दो। मुझे कुछ सुझाव सूझे हैं, क्या कोई सुनना चाहेगा? हाँ, क्यों नहीं? अब तुम ही कुछ बताओ मालिन। शायद हमें थोड़ी छानबीन करनी चाहिए, मैं आगे चलती हूँ। पर आगे तो हमेशा मैं रहता हूँ। रुक जाओ मालिन। वो क्या था? ओके, अब यही बाकी था। लो, तुम ये रिकॉर्डर संभालो, इसे मैं ठीक करता हूँ। क्या है कि इसे थोड़े से प्यार की जरूरत है। लो, हो गया। इसकी जरूरत नहीं, इससे हमारा दुश्मन जान जाएगा हम कहाँ हैं। अब एक बात कहनी थी इसके पर, अब मुझे लगने लगा है हमारा दुश्मन कोई भूत नहीं है। ऐसा क्यों कह रही हो? अरे हाँ, तुम सही हो, ये कोई भूत नहीं है। मुझे तो ये कोई भयानक मॉन्स्टर दिख रहा है। पीछे हटो। ये तो अंधेरी दुनिया से आया हुआ कोई मॉन्स्टर है। पीछे हटो, मुझे ही कुछ करना होगा। ये डरता है मुझसे। मालिन, क्या कर रही हो? दोस्तों, बचाओ मुझे उस मॉन्स्टर से, बचाओ। अरे ये क्या, ये तो सिर्फ एक मगरमच्छ है। हाँ, और जो मॉन्स्टर जैसी आवाजें निकालता है। वो मैं नहीं, वो मॉन्स्टर तो बड़ा ही डरावना, बड़ा ही खतरनाक। पीछे होके बात करो। रॉजर। ठीक है रॉजर, क्या तुम्हें हर रात उस मॉन्स्टर की आवाज सेम टाइम पर सुनाई देती है? तुम्हें कैसे पता? वहाँ ऊपर से। हाँ, तुमने भी सुनी? तुमने सही कहा राजा, मिलो अपने मॉन्स्टर से, जिसे प्यार से सब कहते हैं, मालिन। यही है उस मॉन्स्टर की आवाज। शांत हो जाओ राजा, ये इतनी भी बुरी नहीं है। तुम लोगों ने आने में जरा देर कर दी, मार्लिन और मैंने सब कुछ ठीक कर दिया है। तो चंटू के छोटे भाई बंटू ने मुझे उस आदमी से खरीद लिया, फिर दोनों अपनी नानी से मिलने गए, साथ में मुझे भी ले गए। उस वक्त मैं बहुत छोटा था, पर वक्त के साथ साथ मैं बड़ा होता चला गया। अचानक ही उसने मुझे फ्लश करके बहा दिया। वाकई कमाल है। वैसे नीचे की जिंदगी इतनी बुरी भी नहीं है। अच्छा हुआ मार्लिन को बचाने के लिए तुम वहाँ नीचे थे, है ना स्किपर? दरअसल क्वाल्स के, जहाँ तक मेरी मार्लिन को बचाने की बात है, बस इतना समझ लो कि अगली बार अगर मैं कभी गटर के पानी की गहराइयों में फंस जाऊं, तो उम्मीद है तब मार्लिन मेरे साथ हो। कितनी अच्छी बात कही। हाँ शायद। पर मुझे उस भूतिया जगह में नहीं जाना।
बहादुर बनमोट मेरी तरह। हेलो भागो। उस अजीब सी टोपी वाले की प्रॉब्लम क्या है? काश मुझे पता होता राजा, सिर्फ एक बार पता चल जाए।